में सीधा सीधा ये है कि आखिर योगी आदित्यनाथ के नाम पर या उनके बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े करने वाले, उनके बुलडोजर एक्शन पर राजनीति करने वाले अब क्या कश्मीर में अपनी सरकार बनाने के लिए उसी बुलडोजर का सहारा ले रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कश्मीर टू यूपी टारगेट पर योगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कुछ गलत करता है कोई, ये मुख्यमंत्री ने साफ कहा है, जो प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उस पर इसी तरह से एक्शन लिया जाएगा। तो बुलडोजर कार्रवाई, हालांकि उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी भी की है, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह साफ कह दिया है कि प्रदेश का माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे ही आने वाले समय में कानून संबद्ध कार्रवाई की जाती रहेगी। और वहीं योगी आदित्यनाथ बार बार विपक्ष पर इसी तरह के से हमलावर हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन सवाल यह है कि वो लोग जो बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कश्मीर में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वही विपक्षी दल के नेता, वही इंडी गठबंधन के नेता क्यों नहीं लगातार सपा के नेता जो लगातार रेप में संलिप्त पाए जा रहे हैं उनका नाम नहीं लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं करते, उसे पार्टी और जाति से जोड़ देते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कश्मीर टू कन्नौज बुलडोजर का खौफ कैसे बना हुआ है। कश्मीर में लोगों को उमर अब्दुल्ला डरा रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं, कैसे डरा रहे हैं, ये आपको बता देती हूं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, जब वो रैलियों में जा रहे हैं लोगों को ये संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह हमारी मस्जिदों और दरगाहों, यानी जम्मू कश्मीर में जो मस्जिद और दरगाह है और दुकानें हैं उन पर, वहां पर ताले लगाए जा रहे हैं। और जोड़ने की कोशिश इसको ऐसे है कि अगर बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में आती है तो ऐसा किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि कानून संबद्ध कार्रवाई है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। लेकिन उमर अब्दुल्ला कैसे लोगों को बुलडोजर के नाम पर, योगी आदित्यनाथ के नाम पर डराने की कोशिश कर रहे हैं और अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार सपा नेता की संलिप्तता पर रेप केस में कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो भी तब जब डीएनए मांग की जाने पर डीएनए सैंपल मैच हो गया, फिर भी विपक्ष के तमाम नेता चुप हैं। पहले सुनिए उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम आज कश्मीर से उत्तर प्रदेश की बात क्यों कर रहे हैं। सीधा सा संदेश है, सीधी सी बात है कि जिस बुलडोजर एक्शन पर उत्तर प्रदेश में सवाल खड़े करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए नेता, जमीयत उलेमा के तमाम चेहरे, वो लोग, उन्हीं से जुड़े हुए लोग या विपक्षी दल अब जब उसी को लेकर राजनीति कर रहे हैं तो क्या ये ठीक है। लेकिन वो लोग लड़कियों के साथ हो रहे गलत व्यवहार पर मुंह नहीं खोल रहे हैं, वो भी तब जब नेता की संलिप्तता सीधे सीधे सामने आ रही है। अब आपको ये बताती हूं कि समाजवादी पार्टी में आखिर कितने नवाब हैं, वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन पर सीधे सीधे आरोप लगे हैं और एक का तो डीएनए सैंपल भी मैच हो गया, लेकिन अखिलेश यादव के जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, बल्कि वो तो मुख्यमंत्री से डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। मोहित खान अयोध्या का मामला सपा नेता, कन्नौज का मामला नवाब सिंह, डीएनए मैच हो गया, बार बार बता रही हूं आपको। और अब यह मामला मऊ में सामने आया है, वीरेंद्र बहादुर पाल समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बड़े पदों पर रह चुके हैं, बड़ा रसूख रखते हैं और इन पर अपनी ही महिला सहयोगी पर गलत नजर रखने का, उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है और खुद उस महिला ने सामने आकर यह बताया है कि किस तरह से उसके वीडियो बनाकर, उसकी फोटोज दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन उसके बाद भी ये नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब ये बताती हूं आपको कि मऊ, जिसका जिक्र आज मैं कर रही हूं, वो बहादुर है कौन। सपा नेता पर आरोप लगे हैं समाजवादी पार्टी के नेता है वीरेंद्र बहादुर, सपा नेता पर रेप का आरोप लगाया है और ये रेप का आरोप उनकी सहयोगी महिला सहयोगी ने ही लगाया है। सपा नेता के साथ साथ ये एक वकील भी हैं, सहयोगी युवती ने इन पर रेप के आरोप लगाए हैं, ये आपको बता रही हूं। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप इन पर लगाया गया है।
और आरोप लगने के बाद से वीरेंद्र बहादुर फरार हैं। ये हैं समाजवादी पार्टी के बहादुर नेता। सपा बसपा से इनका पुराना नाता रहा है। सपा नेता पर आरोप लगे लेकिन अभी तक तमाम नेता समाजवादी पार्टी के, और वो नेता जो बुलडोजर पर डराने धमकाने खौफ पैदा करने भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। आज सीधे सीधे महाभारत में सवाल यही कि आखिर आप बुलडोजर पर खौफ पैदा करते हैं लेकिन वो नेता जो बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ कर रहे हैं उन पर आपके जबान से एक शब्द नहीं निकलता है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव में क्या सबसे बड़ा मुद्दा योगी, उत्तर प्रदेश और बुलडोजर है? ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव में जहां लोगों को बुलडोजर के नाम पर डराया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को मस्जिदों और मदरसे बंद होने का डर दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का हवाला देकर योगी के बुलडोजर के नाम से लोगों को डराया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर के चुनाव में योगी का खौफ चल रहा है। विपक्षी दल एक बार फिर डर की सियासत करने में लग गए हैं। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। उमर अब्दुल्ला का ये बयान इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनका काम है खुद डरो और पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को डराओ। बुलडोजर तो अवैध कब्जे पे पहले भी चला है कश्मीर के अंदर। जो अवैध कब्जा किए हुए हैं, जो सरकारी जमीन को हड़पे हुए लोग हैं, उनको तो डर लगेगा ही। उमर अब्दुल्ला बुलडोजर चलाने की कहानी सुनाकर डर तो पैदा कर रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर बाबा का बुलडोजर किस पर और क्यों चलता है। तो बाबा का पहले ये बयान सुनिए। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है, सरकार उसको भी करेगी। माफिया अगर सिर उठाने का तो साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। सुना आपने, योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। जो भी प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा बुलडोजर उसका सर्वनाश करेगा। वहीं दूसरी तरफ बाबा की बुलडोजर कार्रवाई हो या एनकाउंटर का मामला, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी, इन्हें दर्द जरूर होता है, इससे समझिए। अयोध्या में महिला से रेप कांड हुआ जहां सपा नेता मोहित खान आरोपी निकला, तो कन्नौज में बेटी से दुष्कर्म का आरोपी भी नवाब सिंह यादव आरोपी निकला, और मऊ से जहां रेप की एक और खबर सामने आ रही है, इसमें भी आरोपी सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल बताया जा रहा है। लोकसभा के चुनाव में उनको कुछ सीटें क्या मिल गईं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये मुगालता हो गया है कि अब वो सत्ता का संरक्षण पा सकेंगे, अब तो उनकी सत्ता आने वाली है। और इस मुगालते में समाजवादी पार्टी के तमाम अराजक तत्व, आपराधिक तत्व आज अपराध करने में लिप्त हो गए। पहले मोहित खान, फिर नवाब,